एक प्रेरणा कथा। हमारे गांव में श्री शेखो साहब हमारे स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे। बहुत ही परिश्रमी अध्यापक थे वो। जब पढ़ाने लगते थे तो बस कक्षा में ही मस्त हो जाते थे, सब कुछ भूलकर, जैसे कि बाहर कोई दुनिया थी ही नहीं। पढ़ाने में इतना डूब जाते थे कि तीन तीन चार चार पीरियड इकट्ठे ही पढ़ा देते थे। अंग्रेजी के पीरियड में ग्रामर, ट्रांसलेशन इत्यादि का खूब अभ्यास करवाते थे और छात्रों को छोटी से छोटी चीज समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। शेखो साहब में अनेक गुण थे, लेकिन एक खूबी थोड़ी सी अजीब थी। वो कभी भी छात्रों को, किसी भी शिक्षक को मास्टर जी कहने की अनुमति नहीं देते थे। वो कहते थे कि हम शिक्षकों को सर कहकर बुलाएं, लेकिन हमें सिर्फ सर कहना मुश्किल लगता था, इसलिए हम शिक्षकों को सर जी कहते थे। वो खुद को भी मास्टर जी कहे जाने पर आपत्तित करते थे। वो छात्रों से कहते थे, मुझे हेडमास्टर साहब कहा करो। ये क्या बात हुई? रिक्शा मास्टर, रेडी मास्टर, बैंड मास्टर, टेलर मास्टर, सब एक से कैसे हो सकते हैं? अगर कोई छात्र या अन्य कोई व्यक्ति गलती से भी उनको मास्टर जी कह देता था तो बस उसकी शामती आ जाती थी। एक दिन मेरा एक लड़के से झगड़ा हो गया, मामला थोड़ा बढ़ गया और शेखो साहब पहुंचे। मुझे पता था कि वे किसी का भी लिहाज नहीं करते हैं, सजा दोनों को ही बराबर की मिलने वाली थी। शेखो साहब ने मेरे साथ के लड़के से कहा, बताओ क्या हुआ? उस लड़के ने बोलना शुरू कर दिया, मास्टर जी अभी आधी छुट्टी के समय की बात है। अभी उसने केवल एक वाक्य ही बोला था कि शेखो साहब का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। तुम मुझे अब भी मास्टर ही समझते हो? मैं तुझे बताता हूं कि मास्टर क्या होता है। बस, शेखो साहब ने उस लड़के को नीचे गिरा दिया, बहुत पीटा और उसकी रेल बना दी। फिर जब वो मेरी भी पिटाई करने को मेरी तरफ मुड़े तो मैंने तुरंत ही कह दिया, गलती मेरी नहीं थी सर, इसकी गलती थी, इसने मुझे गाली दी। मेरे मुंह से सर सुनकर शेखो साहब के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई और मैं बच गया। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, गुड बॉय, सर इज हैप्पी विद यू। उस दिन तो सर शब्द ने मेरी जान बचा दी, लेकिन आज तक इतने वर्षों के बाद भी मैं स्कूल के किसी भी गुरु को मास्टर जी कहने से घबराता हूँ। आज मैं खुद अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ, पर मैं इसका पूरा श्रेय श्री शेखो साहब को ही देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही हमें उस गांव के स्कूल में पीट पीट कर आधा अंग्रेज तो पहले ही बना दिया था। शेखो साहब की बात मैं जब भी कॉलेज में कक्षाओं में अपने छात्रों को बताता हूँ तो सभी खूब जोर जोर से हंसते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।